नमस्कार, भव्य श्री न्यूज से मैं नूपुर। भरद छोड़ी मेरी या मोहम्मद, लौट कर न मैं जाऊंगा खाली, ये गीत है। और जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस क्वाली को सुनकर, ये क्वाली अंदर तक दिल को झकझोर देने वाला है। यूं तो हम हर मजहब की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन ताकत सिर्फ एक है, शक्ति सिर्फ एक है। और लोग अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए वहां तक दस्तक दे देते हैं जहां दस्तक देने के बाद हमारे मुरादे भी पूरी होती है। हर वो इंसान जो वहां पे अपनी झोली को, खाली झोली को लेकर के भरने के लिए पहुंच जाते हैं, क्या कभी उन्होंने सोचा है कि हमें भी, हम इसमें दो पार्ट कर रहे हैं। हम उनको कदापि नहीं करते जो दाने पुण्य करते हैं, या फिर वो बार बार करते हैं, या फिर वो बार बार नहीं करके जितनी उनकी मर्जी उतना दान और पुण्य करते हैं। लेकिन इसी तथ्यों पर आधारित हमारा ये फीचर है जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम जब उनके दरवाजे पे जाते हैं और जब दस्तक देते हैं और अक्सर एक ना एक कारण से वहां पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं हमारा ये काम पूरा कर दीजिए। जीवन है, अनमोल है, और इसी जीवन में हम अपने हर सपनों को पूरा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम वहां तक फतेह हासिल करें। इस फतेह में जब जन्म लेते हैं वहां से हमारी आराधना शुरू होती है होश संभालने के बाद, और हम हाथ जोड़ना आरंभ करते हैं जब हमारे पेरेंट्स करते हैं कि इस यहाँ पे आप प्रणाम कीजिए और यहाँ पे इनके पूजा आराधना कीजिए। और ऐसे ही हम अपने आंगन में गुड़पते हुए, खेलते हुए फिर दौड़ते हैं, और दौड़ते हुए फिर अपने मन मर्जी से वहाँ पे एक आस्था, एक विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, जिनसे हमें कुछ मिलता चला जाता है और एक विश्वास जगता है कि हाँ, इस मंदिर में हम जाते हैं मेरी मुरादें पूरी होती है। यानी भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारा मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च है जहां हर मजहब के लोग पहुंचते हैं। और यहां ये भी बातें हैं कि हिंदू वहां मजार में भी पहुंचते हैं, वहां भी दस्तक देते हैं, और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हिंदू की भी पूजा आराधना करते हैं और वहां भी दस्तक देते हैं, वो गुरुद्वारा हो या चर्च हो। हर इंसान हर जगह पहुंचता है और दस्तक देता है, क्यों? कुछ मांगने के लिए। किसी की झोली खाली नहीं होती है और कोई खाली हाथ नहीं पहुंचता, मांगने के लिए ही पहुंचता है। लेकिन जहां वो लोग पहुंचते हैं उनमें कुछ लोगों को ऐसा देखा गया है कि अगर उनके से, उनसे अगर आप बार बार मांगते हो तो वो इनकार कर देते हैं। क्यों इनकार कर देते हैं? वो इंसान जो आध्यात्मिक रूप से जुड़ा है, जिनकी आस्था उस पावर पे टिका हुआ है कि वहां से हमारी झोली खाली नहीं होगी, लेकिन आपके दरवाजे पे, आपके दिल पर कोई दस्तक देता है तो फिर उस याचक का क्या कसूर? वो भी आप पर दस्तक देता है कुछ ले लेने के लिए, जबकि वहां से उसकी याचना पूरी नहीं की जाती है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? अगर हम जाते हैं उस पावर के पास लेने के लिए और वही चीज अगर कोई इंसान आता है हमारे पास लेने के लिए, तो दोनों में अंतर क्यों? क्या वो खुदा है, वो ईश्वर है और आप उनका अनुकरण नहीं कर सकते, हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते? ये बात बार बार कौन दिए, इसी पे हम आपको एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं कि एक याचक यानी साधु के रूप में पहुंचे थे राजघराने में, जहां उन्हें कुछ लेना था। उनकी हाल, कोई भी दरवाजा पे दस्तक देता है कुछ लेने के लिए, यूं तो कोई किसी के पास जाता नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि प्रेम मोहब्बत से एक दूसरे से मिलने के लिए हम जाते हो, लेकिन वहां भी हमारा एक स्वार्थ छुपा होता है, मन काफी चंचल है, सोचते हैं चलो उनके घर चाय पियेंगे, कुछ राहत मिलेगी, कुछ मीठी मीठी बातें करेंगे, कुछ पुरानी बातें, कुछ नई बातें होंगी, या फिर रिश्तों में बना कर रखेंगे तो आगे दूर तक कहीं ना कहीं हमें साथी की जरूरत पड़ेगी तो हम दो कदम चल पाएंगे, या फिर घर के कार्यक्रम में हमारा आदान प्रदान हो जाएगा। हर जगह ये सोचा जाए तो स्वार्थ में लिपटा हमारा हर एक इंसान है, मुट्ठी भर इंसान को छोड़ दिया जाए। लेकिन हम मुट्ठी भर इंसान को भी क्यों छोड़े, उनको भी लपेटेंगे इसी कार्यक्रम में, इसी फीचर्स में, चूंकि जो आध्यात्मिक रूप है उनके पीछे भी एक स्वार्थ होता है, उस पावर के पीछे भागना, वहां भी स्वार्थ है। हम ईश्वर के पीछे, अल्लाह के पीछे हम भागते, या खुदा हमें ये दे दो, या खुदा वो दे दो, या फिर हम इसे जिंदगी से मुक्त हो जाए वो दे दो, वहां भी एक स्वार्थ है। लेकिन एक बच्चा जब पैदा लेता है तो माँ के गोद में वो चुपका रहता है, वहां उसका स्वार्थ है। एक पिता पैसा कमा कर लाते हैं, वहां पे एक पत्नी का, एक बेटा का स्वार्थ है, एक बच्चे का स्वार्थ, एक परिवार का स्वार्थ एक दूसरे से छुपा होता है, ये कहना शायद अतिशोक्ति न होगा, और आप इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। उसी में एक याचक जब राजा के दरबार में पहुंचते हैं कुछ लेने के लिए, तो उन्हें बिठा दिया जाता है, क्योंकि जो राजा थे वो पूजा कर रहे होते हैं।
तो उनके दरबारी ने कहा कि आप बैठो, राजा अभी पूजा कर रहे हैं। साधु वहां बैठे रह गए और इस इंतजार में एक घंटा से ज्यादा गुजर गया, क्योंकि राजा जब जाते थे पूजा करने में तो उनको घंटों लग जाया करता था, क्योंकि हर आदमी की आराधना करने का, पूजा करने का अपना अपना वक्त और अपना अपना सोच होता है कि हम कितना वक्त उनके उनमें लीन होकर गुजारते हैं। साधु को ये बात समझ में आई और उन्होंने कहा कि आखिर राजा भी तो किसी से मांगते ही हैं, और वहां जाकर के दरवाजा वो खटखटाते हैं और कहते हैं हमें दीजिए, और उनके द्वारा फिर हमें दिया जाता है, तो क्यों यहाँ हम बैठे रहे। हम भी जाते हैं उसी प्रभु का दरवाजा खटखटाने के लिए, जब सब चीज वहीं मिल जाता है तो फिर हम इस दरवाजे पे क्या कर रहे हैं। साधु जब उठकर जाने को होते हैं तो दरबारी फिर पूछता है, पुकारता है कि अरे साधु महाराज जी, आप क्यों बाहर जा रहे हैं, आप थोड़ा तो ठहरिए। क्योंकि वो जो राजा थे वो दिलेर थे, वो किसी को भी अपने दरवाजा से खाली हाथ नहीं जाने को कहते थे, उन्हें बिठाते थे और उन्हें वो हर चीज मिल जाया करता था। लेकिन साधु तो साधु होते हैं, हर आदमी का ज्ञान वहां से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। परमात्मा ने करवट बदली और साधु खड़े हो गए, और साधु ने जवाब दिया कि नहीं, अब नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं कहीं और वो कहीं और आकर के फिर एक मंदिर को ढूंढते हैं और वहीं पे लीन हो जाते हैं, और लीन होकर के प्रभु को याद करते हैं, और फिर वहां उनकी झोली भरती है, और फिर इसी से उनकी झोली भरती चली जाती है, और ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि नहीं, इंसान से क्या मांगना, इंसान तो स्वयं में एक भिखारी है, अगर मांगना है तो ऊपर वाले से मांगिए और नीचे कर्म कीजिए। कोई वैसा कर्म नहीं जब आप करते हैं और आपके हाथ तिजोरी से भरती नहीं, यानी धन से भरता नहीं, जन से भरता नहीं। आपके पास अगर पैसा है तो आदमी भी आपके पास दौरा दौरा चला आएगा, लेकिन आप में कितनी भी योग्यता हो तो वहां पे ये चीज आ जाती है, या तो कोई आपका पैर पकड़कर खींच लेगा कि बेगर आपके पास पूंजी आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, हम आपको ना पूंजी देंगे ना आपको बढ़ने देंगे। ये भी बात बीच में आता है कि हमारे पास पैसे है, सब कुछ रहते हुए, मेरी सोच रहते हुए हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो फिर हम आगे आपको क्यों नहीं बढ़ने दे। एक कोटेशन है और ये काफी वायरल भी हुआ था बहुत दिन पहले, जब पहाड़ पे चढ़ा हुआ एक इंसान अपने हाथों को नीचे बढ़ाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए सैकड़ों लोगों को नीचे देखा गया खड़े होते हुए। इसका सिंबल यही कहता है कि अगर हाथ से हाथ मिला दिया जाए तो कोई पहाड़ से नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन अगर ऊपर वाले पहाड़ पर जो खड़ा इंसान है अगर वो हाथ को छोड़ दे तो 99 लोग नीचे यूं ही गिर जाएंगे, क्योंकि वो छूट जाएंगे। तो वो मजबूत हाथ जो ऊपर पहाड़ पे खड़ा है वो एक दूसरे को पकड़ता हुआ पहाड़ पे सिंबल है कि हर इंसान उस पहाड़ तक पहुंच सकता है, पहाड़ पर पहुंच सकता है, अगर कोई मजबूत हाथ अगर उसके हाथ में हाथ ले ले और थाम ले। जबकि ऐसा हम नहीं कहेंगे कि मेरे भारत में नहीं है, मेरे भारत में भी ऐसे बहुत सारे हाथ हैं, लेकिन उन हाथों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि अगर एक कमजोर हाथ जिनके पास सोच है, आगे बढ़ने की ललक है, एक उम्मीद है और सपने पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, तो कृपया कर आप अपना हाथ उन्हें दीजिए और उनको जो जरूरत है अपने यहाँ से थोड़ा निकालकर उनको आगे बढ़ने में मदद कीजिए। क्या ठिकाना कल उनके हाथ को आप पकड़ करके उस ऊंचाई को पहुंच जाए जहाँ पहुंचने का आपका बहुत दिनों का सपना रुका पाया हुआ है, ठहरा हुआ है, तो उस सपने को एक गति दीजिए। और कहते हैं तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम्हें अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तो हर इंसान को किनारा मिल जाता है, और इस सपने को साकार करने को अगर हम एक दूसरे का कदम में कदम मिलाकर साथ बढ़े, या थोड़ा सा उन्हें हौसला दे और उनको बैठने नहीं दे दौड़ा दे, तो कर्म ही पूजा कहा गया है, और भाग्य तो है ही, और भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे का पूरक है, और इस तरह भाग्य लेकर तो हम पहुंचते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम विचलित हो जाते हैं। इस विचलित में किसी को विचलित ना होने दे, उन्हें पुश करे और उन्हें उस मंजिल तक पहुंचने दे जहां का उन्होंने सपना देखा है। याद रखिए उनके सपनों में जुड़ा है हमारे भारत का एक अनूठा सपना भी, एक अनमोल सपना भी, जो आने वाले अनुज को वहां तक पहुंचाए।